Hello students, I am Dr. Divakar from School of Biology. Last two lecture में हमने hormones के general characteristics के बारे में किए थे, जो भी basic aspects हैं hormone के बारे में, वो हमने last two lecture में cover किया था। अब हम gland proper की study करेंगे, और उसमें सबसे पहले आज जो दो gland हम cover करने वाले हैं, उसमें से एक है pituitary gland और एक है pineal gland. Pituitary gland स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड सेकेंड स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है, और ये दोनों ही ग्लैंड हमारे हेड रीजन में प्रेजेंट होता है। यदि पिट्यूटरी के लोकेशन की बात करें तो पिट्यूटरी इज लोकेटेड इन सेला टर्सिका ऑफ स्फेनॉइड बोन। ये बोन है जो ब्लैक कलर का है, स्फेनॉइड बोन है। ये हमारे क्रेनियम के फ्लोर पर होता है, और इसी के अंदर एक कैविटी होती है जिसको हम सेला टर्सिका कहते हैं। इसी सेला टर्सिका के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से अटैच्ड बाय मींस ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड इनफंडिबुलम। ये जो धागा है, ये जो स्टॉक है, इसको इनफंडिबुलम कहते हैं, और किससे अटैच्ड है? हाइपोथैलेमस, उसी जो पार्ट ऑफ ब्रेन। पिट्यूटरी प्रॉपर ये इमेज है, एनसीईआरटी वाला ही डायग्राम है। पिट्यूटरी के दो पार्ट है, एक को हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं और एक को न्यूरोहाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी का जो ये वाला पार्ट है एडिनोहाइपोफाइसिस, इसको एंटीरियर लोब भी बोला जाता है और इसको पोस्टीरियर लोब भी बोला जाता है। फिर एडिनोहाइपोफाइसिस के दो पार्ट्स हैं, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। एक्चुअली जो पार्स इंटरमीडिया है वो ह्यूमन में एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो प्रेजेंट होता है, लेकिन एडल्ट्स में पार्स इंटरमीडिया पार्स डिस्टेलिस के साथ ही मर्ज हो जाता है। हाँ, लोअर वर्टिब्रेट में पार्स इंटरमीडिया अलग से भी प्रेजेंट होते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिसको पोस्टीरियर लोब कहते हैं, इसी को पार्स नर्वोसा भी कहते हैं। ये दो हार्मोन को स्टोर करता है, ये अपना कोई हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करता, ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन को स्टोर करता है। ये जो आप ग्रे कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हाइपोथैलेमस, और ये जो न्यूरॉन्स हैं वो हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन है। यही न्यूरॉन्स वो हार्मोन सिंथेसाइज करते हैं। ये न्यूरॉन आप देखो, ये न्यूरॉन एक्सटेंड करके पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक आया है, पार्स नर्वोसा तक आया है। क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर जो हार्मोन सिंथेसाइज होता है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक्सॉन के जरिए होता है। तो ये दो हार्मोन्स को स्टोर करता है, इन दो हार्मोन को, एक को ऑक्सीटोसिन कहते हैं और दूसरे को वैसोप्रेसिन कहते हैं। ये दोनों हार्मोन बेसिकली सिंथेसाइज होते हैं इन द न्यूरॉन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, बट दे रिमेन स्टोर्ड इन पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। लेकिन यहां तक वो आता कैसे है? बाय मींस ऑफ एक्सॉन। लेकिन जब एंटीरियर पिट्यूटरी की बात हम करते हैं, तो एंटीरियर पिट्यूटरी कई हार्मोन्स की सिंथेसिस करता है। यहां पर ये अपना हार्मोन सिंथेसाइज करता है, लेकिन इन हॉर्मोन्स के रिलीज के लिए, इन हॉर्मोन्स को रिलीज करना हो, वो डिपेंडेंट है हाइपोथैलेमस। एक्चुअली हाइपोथैलेमस के जो हॉर्मोन्स होते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन को रेगुलेट करते हैं। यहाँ से कोई हॉर्मोन रिलीज होना है तो उसके लिए सिग्नल कहाँ से आएगा? हाइपोथैलेमस से आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऐसे समझें कि पिट्यूटरी से ग्रोथ हॉर्मोन रिलीज होना है, तो ग्रोथ हॉर्मोन रिलीज करने के लिए हाइपोथैलेमस से एक GHRH, GH रिलीजिंग फैक्टर आएगा, और हार्मोन GH के GH के सिक्रेशन को बंद करना है, GHIH आएगा, GH इनहिबिटरी हार्मोन आएगा। तो रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन दोनों का सोर्स क्या है? हाइपोथैलेमस। लेकिन ये जो रिलीजिंग हार्मोन है और इनहिबिटरी हार्मोन है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी तक आता कैसे? जैसे यहाँ पर तो हमने देखा एक्सॉन तक आता है, लेकिन ये एक्सॉन यहाँ तक एक्सटेंड करके तो नहीं आता। तो यहाँ पर देखो, ब्लड कैपिलरीज इन द फॉर्म ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन, इस पोर्टल सर्कुलेशन के जरिए ये जो हार्मोन है, ये जो पोर्टल सर्कुलेशन यहाँ पर होता है, यहाँ पर जो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है इसीलिए होती है। और इस पोर्टल सर्कुलेशन को, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस और हाइपोफाइसिस के बीच में है, हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड का ही दूसरा नाम है, हाइपोथैलेमस और हाइपोफाइसिस के बीच में है, इसलिए इसको
हाइपोथैलमो हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन कहते हैं। इस पोर्टल वेन का क्या सिग्निफिकेंस है, यहाँ पर जो रिलीजिंग हार्मोन होगा, एनिबिटी हार्मोन होगा, उसको लेकर यहाँ आना ताकि पिट्यूटरी के हार्मोन का रेगुलेशन हो सके, ताकि पिट्यूटरी के हार्मोन का रेगुलेशन हो सके। तो ये हो गया इसके बारे में कि किस तरह से हार्मोन्स यहाँ पर पहुंचते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की बात हमने लिखाया था कि अभी अभी आपको डिस्कस किया था जो यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरी बात ये कि पिट्यूटरी ग्लैंड, स्पेशली जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब है, उसके हार्मोन जो सिंथेसाइज होते हैं उनका रेगुलेशन जैसा हमने कहा कि हाइपोथैलमस के जरिए होता है। हाइपोथैलमस रिलीजिंग हार्मोन तो सबके लिए भेजता है, लेकिन वो इनहिबिटरी हार्मोन वो तीन हार्मोन के लिए भेजता है। तीन हार्मोन कौन कौन से हैं, एक जीएस के लिए, एक प्रोलेक्टिन के लिए और एक एमएसएस के लिए। इनके ऑल्टरनेटिव नेम्स भी हैं, जीएच आईएस को सोमैटोस्टैटिन बोला जाता है, प्रोलेक्टिन आईएस को डोपामिन बोला जाता है, एमएसएस आईएस के लिए कोई अलग से नाम नहीं। एक चीज और यहाँ पर बता देना जरूरी है, वो ये कि पिट्यूटरी ग्लैंड को पहले मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहते थे, अब नहीं कहते। अब इसलिए नहीं कहते, जब से ये फैक्ट डिस्कवर हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी को हाइपोथैलमस कंट्रोल करता है, तो उसके बाद से मास्टर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। आपके मन में ऐसा लगेगा कि फिर हाइपोथैलमस को मास्टर कहना चाहिए। हाइपोथैलमस को मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड इसलिए नहीं कह सकते कि हाइपोथैलमस न्यूरॉन का बना होता है और एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो एपिथेलियल टिश्यू के डेरिवेटिव है। तो अब ये एस्टेब्लिश हुआ है कि हार्मोन का मेन फंक्शन होता है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना, बॉडी के जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करना, और उसको मेंटेन करने के लिए सारा ही हार्मोन इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई हार्मोन पिट्यूटरी ज्यादा हार्मोन सिक्रीट करता है इस वजह से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन इसलिए नहीं कि पिट्यूटरी अपने हार्मोन सिंथेसाइज करता रहे और थायराइड अपना हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करेगा तो होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं हो पाएगी। होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए सारे हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए पिट्यूटरी को या किसी भी ग्लैंड को हम अब मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं कहते। पिट्यूटरी के जो डिफरेंट हार्मोन्स हैं और उनके क्या फंक्शंस हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी जैसा हमने कहा वो अपना खुद का हार्मोन सिंथेसाइज करता है, उसमें से पहला है ग्रोथ हार्मोन या इसको सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन या सोमैटोट्रॉपिन भी कहते हैं। तो नाम से लगता है कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे करते हैं ग्रोथ, देखो जीएच का एक्शन डायरेक्टली पहले लिवर पर होगा, लिवर से एक केमिकल सिक्रीट होता है जिसको सोमैटोमेडीन कहते हैं या इसको इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है इंसुलिन की तरह काम करता है। कैसे, जैसे सोमैटोमेडीन अपने टारगेट सेल के रिसेप्टर के साथ जब अटैच होता है तो ये अमीनो एसिड के लिए परमेबल हो गया। अमीनो एसिड अंदर आकर के किस में चेंज होगा, प्रोटीन में चेंज होगा, और प्रोटीन के कारण सेल की क्या होगी, ग्रोथ होगी। ग्रोथ के लिए प्रोटीन जरूरी होते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ग्रोथ के समय एनर्जी का कंजम्पशन होता है, एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है, तो एनर्जी कहाँ से आती है, तो इसमें उसके लिए ग्रोथ हार्मोन एक्ट्स ऑन एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू फैट्स का स्टोर हाउस है, यहाँ से क्या रिलीज होगा, फैटी एसिड, और ये ऑक्सीडाइज होकर के हमें एनर्जी देगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और समझनी चाहिए, एनर्जी सोर्स होता है, दो इंपॉर्टेंट सोर्स है, फैट्स है और ग्लूकोज है। ग्रोथ के समय जो मोस्टली एनर्जी यूज होती है वो फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से होती है। इसकी वजह यह है हमारे बॉडी में जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट सिर्फ ग्लूकोज से फुलफिल करते हैं, और यदि बॉडी के दूसरे सेल्स डेवलपमेंट के समय ग्लूकोज से एनर्जी लेने लगे तो ग्लूकोज से एनर्जी लेने लगे तो क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि न्यूरॉन्स को एनर्जी मिलनी क्या होगी, कम हो जाएगी, तो न्यूरॉन का पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंटल टाइम है, चाहे वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो या पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो, ग्रोथ के समय
न्यूरॉन्स के लिए एनर्जी स्पेयर्ड रहे इसलिए फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है। ग्रोथ हार्मोन के कारण कुछ एक डिसऑर्डर्स जो इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स होते हैं, एक है गिगांटिज्म, दिस इज ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ जीएस ड्यूरिंग चाइल्डहुड। चाइल्डहुड स्टेज में यदि जरूरत से ज्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो तो उसके कारण बच्चा जो है एक्सेसिवली टॉल हो जाता है, उस कंडीशन को गिगांटिज्म कहते हैं। और जरूरत से कम यदि सिक्रीट हो ड्यूरिंग चाइल्डहुड तो उसके कारण डॉर्फिज्म होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये सिक्रीट करने वाले जो सेल्स होते हैं पिट्यूटरी में उनका नंबर बढ़ जाता है ब्राइन ट्यूमर के कारण, तो एडल्ट्स में भी जीएस का सिक्रीशन बढ़ जाता है। उसके कारण जो डिसऑर्डर होता है उसको एक्टोमेगैली कहते हैं, इसका मतलब है गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस। इसमें मसल की या फिर बोन की ग्रोथ तो नहीं होगी, बोन की लेंथ वाइज ग्रोथ तो नहीं होगी, क्योंकि एक सर्टेन स्टेज के बाद जो बोन की लेंथ वाइज ग्रोथ है वो रुक जाती है। इसमें क्या होता है कि विड्थ बढ़ जाती है बोन की, मसल्स की, बॉडी काफी मस्कुलर हो जाता है और लोअर जॉ स्पेशली वाइड होने के कारण, विड्थ बढ़ने के कारण काफी नीचे आ जाते हैं, तो अपीयरेंस जो है वो गोरिल्ला की तरह हो जाए। तो गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस तब होगा जब जीएस का सिक्रेशन एडल्ट्स में ज्यादा हो जाए, हाइपर सिक्रेशन। एक टर्म है मिजिट्स, सर्कस के ड्वार्फ को कहते हैं, दे आर द पिट्यूटरी ड्वार्फ। जो ऐसा है कि ड्वार्फनेस जो है बॉडी के ग्रोथ के लिए थायराइड के जो हॉर्मोन्स होते हैं स्पेशली ड्यूरिंग चाइल्डहुड, थायराइड के जो हॉर्मोन्स होते हैं थायरोक्सिन, वो भी जरूरी है। अब हमें यदि डिस्टिंग्विश करना हो कि कोई बच्चा जो है थायराइड के कारण ड्वार्फ है या पिट्यूटरी के कारण, तो हम उसके आईक्यू लेवल को चेक करेंगे। थायराइड के जो हॉर्मोन्स हैं वो बॉडी ग्रोथ के साथ साथ न्यूरल ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन लेकिन जो पिट्यूटरी के जो ड्वार्फ हैं वो सिर्फ बॉडी के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पिट्यूटरी ड्वार्फ जो होगा वो मेंटली रिटार्डेड नहीं होगा और जो थायराइड ड्वार्फ होगा वो मेंटली रिटार्डेड होगा। इसलिए यहाँ पर है मिजिट सर्कस में जो ड्वार्फ होते हैं छोटे छोटे बौने होते हैं वो पिट्यूटरी ड्वार्फ, उसमें मेंटल आईक्यू की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मेंटली दे आर बैलेंस्ड। ठीक है, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन जो है इट स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ मिल्क इन मैमरी ग्लैंड, इसका काम है प्रोलैक्टिन का, ये मिल्क की सिंथेसिस को इंड्यूस करता है कब, आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी। कि एक नॉर्मल वुमेन में मिल्क की सिंथेसिस जो होती है वो कब होती है, मिल्क की सिंथेसिस होती है बेबी के बर्थ के बाद, बेबी के बर्थ के बाद उसकी सिंथेसिस होती है। फॉर दिस रीजन इट इज आल्सो कॉल्ड एज हार्मोन ऑफ मैटरनिटी। यदि किसी फीमेल के मैमरी ग्लैंड में मिल्क की सिंथेसिस हो रही है तो वो कब होगी, वो होगी बेबी के बर्थ के बाद, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज हार्मोन ऑफ मैटरनिटी। ठीक है, प्रेगनेंसी के समय मिल्क सिंथेसाइज इसलिए नहीं होता कि प्रेगनेंसी के समय फीमेल के बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत ज्यादा अमाउंट में होता और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इनहिबिटरी इफेक्ट्स हो करते हैं, इनहिबिटरी इफेक्ट्स हो करते हैं किसके लिए, प्रोलैक्टिन के लिए। तो अब जब बेबी का बर्थ हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन अचानक कम हो जाएगा और इनहिबिटरी इफेक्ट जो वो इम्पोज कर रहा था वो इम्पोज करना बंद कर देगा और मिल्क की सिंथेसिस शुरू हो जाती है। गोनेडोट्रॉफिक हॉर्मोन्स, गोनेडोट्रॉफिक हॉर्मोन FSH और LH को मिला के कहते हैं। गोनेडोट्रॉफिक हॉर्मोन उन हॉर्मोन्स को कहते हैं जिनका एक्शन गोनेड्स पर होता है, और गोनेड्स कौन है, टेस्टिस एंड ओवरी। तो FSH और LH दोनों का एक्शन गोनेड्स पर होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन। वैसे तो इन हार्मोन्स के डिटेल हम रिप्रोडक्शन में करते हैं, यहाँ पर एक लाइन FSH और LH का काम करता है मेल और फीमेल। फीमेल में इसका काम क्या है, फीमेल में इट स्टिमुलेट्स ओवेरियन फॉलिकल। फीमेल्स में जो ओवरी है, ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं विच आर प्रिकर्सर ऑफ एग, उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है, इसीलिए इसका नाम FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लेकिन ये मेल में भी सीक्रेट होते हैं और मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में ये इन्वॉल्व है।
दूसरा है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो मेन फंक्शन है इसका ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी। तो ओवरी के अंदर एग डेवलप होता है, उसको रिलीज तब होगा जब फॉलिकल मैच्योर होंगे और वो रप्चर होंगे। रप्चर करने में ये मेजर रोल प्ले करते हैं LH। मेल में क्या करता है, मेल में एक टेस्टिस में एक सेल होता है लेडिक सेल्स, इज द सोर्स ऑफ एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन का सोर्स है। लेकिन लेडिक सेल्स एंड्रोजन तब रिलीज करेगा जब उस पर LH का एक्शन हो, और ये फंक्शन है एंड्रोजन। हम जो है एंड्रोजन उस हार्मोन को कहते हैं जो मैस्कुलाइजिंग इफेक्ट्स हो करते हैं, जो कि मेल में होता है, और एस्ट्रोजन उस हार्मोन को कहते हैं जो फेमिनाइजिंग इफेक्ट्स हो करते हैं, जो कि फीमेल में होता है। ये दो टर्म समझना चाहिए, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। फिर है ACTH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। तो नाम से ही लगता है कि ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज देयर हार्मोन। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से तीन हार्मोन वैसे रिलीज होते हैं, लेकिन ACTH का एक्शन होगा तो इसके इन्फ्लुएंस से दो हार्मोन मेनली रिलीज होता है, एक है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एक है सेक्स कॉर्टिकॉइड। लेकिन एक जो तीसरा हार्मोन है मेंडेलोकॉर्टिकॉइड, उसको ये ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता। इसको कौन इन्फ्लुएंस करता है ये चीज हम आगे पढ़ें। फिर MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो रोल है ह्यूमन बींग में क्लियर नहीं है, लेकिन लोअर वर्टिब्रेट में लाइक फ्रॉग, फ्रॉग जो है सराउंडिंग के साथ अपने को ब्लेंड करने के लिए अपने कलर को चेंज कर सकते हैं, वो इस हार्मोन के कारण होता है ना। फ्रॉग को अपने बॉडी के कलर को डार्क करना हो तो ब्लेंड विद द सराउंडिंग, तो MSH का एक्शन हो। MSH क्या करता है, ये मेलानिन पिगमेंट को डिस्पर्स करा देता है। तो मेलानिन पिगमेंट बॉडी को कलर देता है, तो मेलानिन पिगमेंट पूरी बॉडी में डिस्पर्स होगा तो इसके कारण कलर क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। तो डार्क अपीयरेंस जो है वो MSH के कारण होता है। इस तरह का रोल MSH ह्यूमन बीइंग में नहीं करता। क्या करता है MSH, ये हमें ठीक ठीक इसके बारे में पता नहीं है। थोड़े बहुत होते हैं ये स्मॉल अमाउंट में ह्यूमन बीइंग में, लेकिन व्हाट रोल दे प्ले इज नॉट क्लियर। ये सारे हॉर्मोन्स हमने किए, एंटीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी इसे खुद सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन उसका जो रेगुलेशन है वो हाइपोथैलेमस के जरिए होता है। फिर है हॉर्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एक बात याद दिला दूं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपना कोई हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करता, ये हार्मोन को स्टोर करता है। तो कौन से हार्मोन, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। पहला है ऑक्सीटोसिन, जिसको पिटोसिन भी कहते हैं, इसको बर्थ हार्मोन भी बोला जाता है। बर्थ हार्मोन इसलिए बोलते हैं कि बर्थ के समय, बेबी के बर्थ के समय ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये यूट्रस की मसल के कॉन्ट्रेक्शन को फास्ट करा देता है, ताकि जो यूट्रस की मसल है वो ज्यादा फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो प्लासेंटल कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और बेबी डिलीवर्ड होगा। तो बेबी को डिलीवर करने में ऑक्सीटोसिन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड बर्थ हार्मोन। लेकिन इसको मिल्क लेट डाउन फैक्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये मिल्क के इजेक्शन में रोल प्ले करता है। मिल्क का इजेक्शन और मिल्क का सिक्रीशन दोनों अलग अलग बात है। मिल्क का इजेक्शन और सिक्रीशन तो एक ही बात है, लेकिन मिल्क का इजेक्शन और मिल्क की सिंथेसिस अलग अलग बात है। तो मिल्क सिंथेसिस के लिए तो हमने क्या था, प्रोलेक्टिन हार्मोन। मिल्क रिलीज होगा मेमरी ग्लैंड से, उसके लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जरूरी है। इस हार्मोन को हार्मोन ऑफ लव एंड अफेक्शन भी कहते हैं। इसको हार्मोन ऑफ लव एंड अफेक्शन इसलिए बोलते हैं कि एक जो नर्सिंग वेमेन है, नर्सिंग वेमेन उस वेमेन को कहते हैं जो बेबी के बर्थ के बाद उसे ब्रेस्ट फीड कराती है, उसको नर्सिंग वेमेन कहते हैं। तो नर्सिंग वेमेन यदि अपने बच्चे की रोने की आवाज को सुन ले, तो उस रोने की आवाज के रिस्पॉन्स में भी मेमरी ग्लैंड से मिल्क रिलीज हो सकता है। ये जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर उस वुमेन के बच्चे के लिए उसका अफेक्शन दिखाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हॉर्मोन ऑफ लव एंड अफेक्शन। लेकिन
मिल्क नॉर्मली कैसे रिलीज होते हैं उसको पहले समझिए। नॉर्मली कैसे मेमरी ग्लैंड से मिल्क रिलीज होता है, ये सकलिंग एक्शन ऑफ द बेबी, व्हेन बेबी इज पुट टू निपल ऑफ द ब्रेस्ट, जो सकलिंग एक्शन है वो एक नर्व इम्पल्स रिलीज करेगा, इनिशिएट करेगा, और वो नर्व इम्पल्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक जाएगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगा कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन कॉजेज इजेक्शन ऑफ मिल्क। नॉर्मली मिल्क इस तरह से इजेक्ट होता है, लेकिन यदि वुमेन अपने बच्चे के रोने की आवाज को सुने तो जो काम सकलिंग एक्शन कर रहा था वो काम वो क्राई करने लगे, रोने की आवाज करने लगेगी, वो स्टिमुलस का काम करने लगेगी, और उसके रिस्पॉन्स में पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? ऑक्सीटोसिन, जिसके कारण मिल्क का इजेक्शन होगा। तो ये जो बिहेवियर है नर्सिंग मदर का फॉर हर बेबी इन रिस्पॉन्स टू क्राई, दिस इज सपोज टू बी द फॉर दिस रीजन इट इज कॉल्ड एज द हॉर्मोन ऑफ लव एंड अफेक्शन, एडीएच, या इसको वैसोप्रेशन। एडीएच को एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन कहते हैं, एंटी डायूरेटिक। डायूरेसिस का मतलब होता है एक्ट ऑफ एक्सेसिव यूरिनेशन, ये एक्सेसिव यूरिनेशन को प्रिवेंट करता है, दैट्स व्हाई एंटी डायूरेटिक। जब हम कम पानी पीते हैं, जब हम कम पानी पीते हैं और उस समय यदि यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा हो तो पानी की क्या होगी? कमी हो जाएगी। तो उन कंडीशंस में ये क्या करता है, एडीएच सिक्रीट होता है, और एडीएच नेफ्रॉन के कुछ पार्ट्स को, डीसीटी है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, कलेक्टिंग डक्ट है, उसको स्टिमुलेट करता है वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो यूरिन के थ्रू जो वाटर का लॉस हो रहा था वो लॉस नहीं होकर के ये एब्जॉर्ब होकर के बॉडी में आ जाता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जिस समय हम कम पानी पीते हैं तो उस समय यूरिन क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। तो ये डायोरेसिस को प्रिवेंट करता है इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन, दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड एज एंटी डायोरेटिक हार्मोन, इसलिए इसको एंटी डायोरेटिक हार्मोन कहते हैं। इट ऑल्सो कॉजेज वेसो कंस्ट्रिक्शन, वेसो वर्ड का मतलब होता है ब्लड वेसल, कि ब्लड वेसल को क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा? एलिवेट होगा। तो ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में भी ये हार्मोन इन्वॉल्व है। जब कभी प्रेशर ड्रॉप हो रहा होता है तो उस समय ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वैसोप्रेशन। इसकी कमी के कारण, यदि एडीएच की कमी हो तो उसके कारण एक डिसऑर्डर होता है जिसको डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। डायबिटीज वर्ड का मतलब होता है एक्सेसिव यूरिनेशन। डायबिटीज चाहे वो मेलाइटस हो या इंसिपिडस हो, दोनों में एक्सेसिव यूरिनेशन होता है। डायबिटीज इंसिपिडस में एक्सेसिव यूरिनेशन होता है, ठीक है। तो ये जो एक्सेसिव यूरिनेशन होता है क्यों होता है? क्योंकि एडीएच काम नहीं कर पाएगा। एडीएच का काम था यूरिन के वाटर को एब्जॉर्ब करके कहाँ ले जाना? बॉडी में ले जाना। जब ये हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा तो एक्सेसिव यूरिनेशन होगा, एक्सेसिव यूरिनेशन होगा तो बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। तो एडीएच के दो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं, एक्सेसिव यूरिनेशन जिसको डायोरेसिस या पॉलीयूरिया कहते हैं, और एक्सेसिव थर्स्ट जिसको पॉलीडिप्सिया कहते हैं। पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीयूरिया आर द टू कॉमन सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस का मतलब है कि इसका शुगर से कोई लेना देना नहीं, जिसमें यूरिन के साथ शुगर आते हैं वो हम आगे करेंगे, उसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। लेकिन डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? कि एक्सेसिव यूरिनेशन होगा और एक्सेसिव थर्स्ट, दोनों कॉमन है, ठीक है। इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्यास लगती है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज ड्रिंकर्स डिजीज, इसलिए इसको ड्रिंकर्स डिजीज भी कहते हैं। ये हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। छोटा सा ग्लैंड है पाइनियल ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड और पाइनियल ग्लैंड को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, एक को हाइपोफाइसिस और एक को एपिफाइसिस। ये दो नाम जो है वो क्यों है, इसको इस तरह से समझिए। ये हमारा डायन्सेफलॉन है, डायन्सेफलॉन फोर ब्रेन का पार्ट है। डायन्सेफलॉन के साइड को हम कहते हैं थैलमस, और थैलमस के ऊपर होता है एपिथैलमस, नीचे होता है हाइपोथैलमस।
हाइपोथैलेमस से पीनियल ग्लैंड अटैच होता है और हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होता है, क्योंकि ब्रेन के नीचे वाले हिस्से में होता है, दैट्स व्हाई पिट्यूटरी इज कॉल्ड हाइपोफाइसिस, और ये ऊपर होता है इसलिए इसको एपिफाइसिस। ये डॉर्सल रीजन में, ये वेंट्रल रीजन, दोनों ही एक एक स्टॉक से जुड़े होते हैं। अभी हमने किया था कि पिट्यूटरी के स्टॉक को क्या कहते हैं, पिट्यूटरी के स्टॉक को इन्फंडिबुलम कहते हैं, पीनियल ग्लैंड के स्टॉक को क्या कहते हैं, पीनियल स्टॉक। तो दिस इज अबाउट लोकेशन ऑफ द पाइनियल ग्लैंड, इसको एपिफाइसिस सेरेब्री भी बोला जाता है। सेरेब्री रेफर्स टू ब्रेन और ये उसके ऊपर वाले हिस्से में होता है, ये नीचे वाले हिस्से में होता है, दैट्स व्हाई दे आर सो कॉल्ड। पाइनियल ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो है मेलाटोनिन हार्मोन, जो कि ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड की डेरिवेटिव है। ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड मोस्ट एसेंशियल एमिनो एसिड होता है, उससे बनता है मेलाटोनिन। एक्चुअली ट्रिप्टोफैन पहले सेरोटोनिन में चेंज होता है और बाद में वो मेलाटोनिन में बदल जाता है, हार्मोन के फॉर्म में, मेलाटोनिन के फॉर्म में ये सिक्रीट होता है। इसका रोल क्या है? इसका रोल एक तो ये है कि इसका एक रोल तो ये है कि फ्रॉग में इसका ये रोल देखें, ये एंटागोनिस्टिक होता है टू एमएसएच। जो रोल एमएसएच प्ले करता है उसका अपोजिट रोल प्ले करता है। अभी हमने किया था कि एमएसएच फ्रॉग के स्किन के कलर को डार्क करता है, ये क्या करता है, लाइट कर देता है। एंटागोनिस्टिक रोल हो गया, अपोजिट रोल हो गया। ये जो लाइट एंड डार्क फिनोमेना होती है फ्रॉग में, ये सराउंडिंग के साथ ब्लेंड करने के लिए है ना। लाइट सराउंडिंग है तो अपने बॉडी के कलर को लाइट कर लेगा। लाइट करने में कौन सा हॉर्मोन हेल्प करेगा, मेलाटोनिन। डार्क करने में कौन सा हॉर्मोन हेल्प करेगा, एमएसएच। इस तरह से दो तरह के हार्मोन्स और उनका रोल। लेकिन ह्यूमन बीइंग में क्या रोल है? हमने अभी एमएसएस के बारे में किया था कि एमएसएस ह्यूमन बीइंग में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, या प्ले भी करता है तो हमें पता नहीं है। लेकिन इसके रोल के बारे में हमें पता है, मेलाटोनिन के रोल के बारे में हमें पता है। मेलाटोनिन हार्मोन को वन ऑफ द रेगुलेटर ऑफ प्यूबर्टी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है, जैसे एक बच्चे का जब जन्म होता है तो जैसे मेल बेबी है तो उसमें चाइल्डहुड स्टेज में स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता, और ये फीमेल है, फीमेल में चाइल्डहुड स्टेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल का ऑनसेट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन का इनहिबिटर है। मेलाटोनिन हार्मोन गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन किसको कहते हैं, FSH LH को। तो FSH और LH के बगैर स्पर्म नहीं बनेगा मेल में, FSH LH के बगैर मेंस्ट्रुअल साइकिल का ऑनसेट नहीं होगा। चाइल्डहुड स्टेज में मेलाटोनिन हार्मोन उसको इनहिबिट करके रखता है, उसका इनहिबिटर है, इनहिबिट करके रखता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द रेगुलेटर ऑफ प्यूबर्टी। लेकिन बाद में क्या होता है, प्यूबर्टी के बाद धीरे धीरे करके ये जो ग्लैंड है वो ब्रेन सैंड में बदल जाता है कैल्सिफिकेशन के कारण, है ना। ये डिजेनरेट होने लगते हैं ग्लैंड, और कैल्सिफाई होने के कारण वो ग्लैंड जो है, इसको बोला जाता है ब्रेन सैंड, ठीक है। तो अब इनहिबिटरी इफेक्ट बंद हो जाएगा, और इनहिबिटरी इफेक्ट बंद होगा तो इनहिबिटरी इफेक्ट बंद होने के कारण अब जो है प्यूबर्टी मेल में या फीमेल में आनी शुरू हो जाएगी। पीनियल ग्लैंड के बारे में और भी कुछ कुछ बातें लिखी हुई है कि जैसे पीनियल ग्लैंड इज कॉल्ड एज द बायोलॉजिकल क्लॉक बिकॉज ऑफ इट्स सिक्रीशन इज कंट्रोल्ड बाय डायरनल, ये डे नाइट साइकिल। एक्चुअली क्या होता है कि डे नाइट साइकिल को डायरनल रिदम बोला जाता है। इसका जो सिक्रीशन है, पीनियल ग्लैंड के हॉर्मोन का जो सिक्रीशन है वो डार्क में ज्यादा होता है। आपने देखा कि डार्क होता, हमें अक्सर यदि हमने इस बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब नहीं किया तो हमें रात में नींद आती, तो रात में नींद आती है तो इसलिए होती कि ये जो डार्क है वो मेलाटोनिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, और लाइट कंडीशन उसके सिक्रेशन को क्या करता है, इनहिबिट करता है। लाइट कंडीशन इनहिबिट करेगा, डार्क कंडीशन उसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। तो और ये जो हॉर्मोन है मेलाटोनिन, या इसका जो प्रिकर्सर है सेरोटोनिन, वो न्यूरॉन का इनहिबिटर माना जाता है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। तो इंपल्स का जो ट्रांसमिशन है
वो रुकने लगेगा और नींद आने लगेगी। तो इसलिए इसको कहते हैं कि बायोलॉजिकल क्लॉक, ये हमारे बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक। एक और फैक्ट है कि चाइल्ड, ऐसे बच्चे जो जन्म के समय ब्लाइंड होते हैं, उसमें अक्सर देखा जाता है कि प्यूबर्टी का ऑनसेट अर्ली होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल चाइल्ड। जो छोटे बच्चे हैं, जो ऐसे बच्चे हैं जो जन्म के समय ब्लाइंड होते हैं, उनमें देखा जाता है कि प्यूबर्टी का ऑनसेट पहले हो गया नॉर्मल चाइल्ड के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ऐसा आपको ऐसा लग सकता है कि चाइल्ड जो ब्लाइंड है बर्थ के समय, उसमें तो प्यूबर्टी आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें लाइट स्टिमुलेशन जब होगा नहीं, तो डार्क ही है, डार्क कंडीशन में मेलाटोनिन का सिक्रीशन ज्यादा होना चाहिए, और मेलाटोनिन गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन का क्या है, इनहिबिटर है, और इनहिबिटर है तो उसमें तो प्यूबर्टी आनी ही नहीं चाहिए। और फैक्ट क्या बताते हैं कि वो अर्ली आता है, प्यूबर्टी अर्ली आता है चाइल्ड, ऐसे चाइल्ड में जो जन्म के समय ब्लाइंड है। कैसे है, कैसे ये फेनोमेना, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये डायग्राम बनाया है। ऐसा होता है कि नॉर्मल है, कि ये डायन्सेफलॉन है, ये जो है पीनियल ग्लैंड का लोकेशन है। हमारे बॉडी में एक ग्लैंड, एक नर्व होता है ऑप्टिक नर्व, ये सेकेंड क्रेनियल नर्व, ये ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का ओरिजिन कहाँ से होता है, रेटिना से होता है। दो रेटिना है हमारे पास, तो दोनों से एक एक ऑप्टिक नर्व निकला। ऑप्टिक नर्व के अंदर बहुत सारे नर्व फाइबर्स होते हैं, इनके कुछ नर्व फाइबर जो है वो क्रॉस कर जाते हैं, दूसरे को क्रॉस कर देते हैं। ये जो क्रॉसिंग का पॉइंट है, क्रॉसिंग का पॉइंट है, इसको ऑप्टिक क्यास्मा कहते हैं। ये क्रॉसिंग होती है हाइपोथैलेमस के ठीक फ्रंट में, ठीक फ्रंट में होती है, इसको ऑप्टिक क्यास्मा कहते हैं। ये क्रॉसिंग क्यों होती है? क्रॉसिंग इसलिए होती है कि जैसे इसका जो ऑप्टिक नर्व फाइबर का कुछ फाइबर है वो क्रॉस कर रहा है, सारे फाइबर क्रॉस नहीं करते, मोस्टली तो इधर जाएगा ही जाएगा, कुछ फाइबर क्रॉस करके इधर चला गया, कुछ फाइबर क्रॉस करके इधर चला गया ऑक्सीपिटल लोब में, जो हमारा यहाँ पर हमारा विजन का सेंटर होता है, विजुअल सेंटर कहलाता है। इसका एडवांटेज ये होता है कि यदि एक साइड का ऑप्टिक नर्व डैमेज भी हो जाए, तो क्योंकि दोनों साइड के ऑप्टिक नर्व एक दूसरे को इनर्वेट करते हैं, तो ब्लाइंडनेस नहीं आती, अच्छी बात। लेकिन ब्लाइंड बच्चों में क्या होता है, ब्लाइंड बच्चों में जो नॉर्मल बच्चों में ऑप्टिक क्यास्मा यहाँ पर बनता था हाइपोथैलेमस के ठीक फ्रंट में, वो ब्लाइंड बच्चों में ये ऑप्टिक नर्व यहाँ पर ऑप्टिक क्यास्मा बना था पीनियल ग्लैंड के साथ। तो ये जो पीनियल ग्लैंड नॉर्मली बच्चों में डीजेनरेट होता है प्यूबर्टी आने के बाद, वो ब्लाइंड बच्चों में पहले ही खत्म हो जाए, इसके क्रॉस करने के कारण ये खत्म हो जाता है, और खत्म हो गया तो आप मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन क्या होगा, बंद होने लगेगा, और मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन बंद होने के कारण अब तो FSH और LH प्यूबर्टी पर एक्टिव होते थे, वो रिलेटिवली पहले ही हो जाएंगे, पहले ही हो जाएंगे, और पहले हो जाएंगे तो उसमें प्यूबर्टी का ऑनसेट क्या होगा, पहले होगा। मेलाटोनिन हार्मोन के कारण ही एक और फेनोमेना होता है, जेट लैग फेनोमेना। जेट लैग फेनोमेना होता है कि कोई आदमी जब कई टाइम जोन को क्रॉस करके किसी दूसरी कंट्री में जाता है, तो हो सकता है कि वहां पर रात, ये जो अब जैसे अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए, तो अमेरिका और इंडिया के टाइम में करीब 9 to 10 आवर्स का फर्क है। अब अमेरिका में जब दिन है तो यहाँ पर रात है, यहाँ पर जब दिन है रात है तो वहां पर दिन है, इस तरह की कंडीशंस होते हैं। अब एक अमेरिका में रहने वाला आदमी इंडिया है, यहाँ पर जो इसका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है यहाँ के हिसाब से सेट नहीं है, वो वहां के हिसाब से सेट है, तो यहाँ पर दिन है लेकिन वो रात वाली एक्टिविटी उसे शुरू हो जाएगी, वो नींद आनी शुरू होगी, और जब यहाँ पर लोग सोते हैं तो वो जगना शुरू कर देगा। इस फेनोमेना को जेट लैग फेनोमेना कहते हैं, और यहाँ के कंडीशन में अडेप्ट करने के लिए कुछ समय लगता है, कुछ वक्त लगता है, और उसके बाद फिर बायोलॉजिकल क्लॉक यहाँ के कंडीशंस के हिसाब से सेट हो जाता है। इसी फेनोमेना को क्या कहते हैं, जेट लैग फेनोमेना। इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल ग्लैंड जो है वो पाइनल ग्लैंड है। तो ये सब हमने फैक्ट्स किए पाइनल ग्लैंड के बारे में। आज हमने दो ग्लैंड को कवर किया, एक ग्लैंड था एक ग्लैंड पिट्यूटरी और दूसरा पाइनल
आज के लेक्चर में। थैंक यू।